समाजवादी पार्टी से 2018 का लोकसभा उपचुनाव जीतकर बीजेपी का तिलस्मी तोड़ने वाले सदर सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद का सपा पर भरोसा नहीं रहा और वो और उनकी पार्टी ने भाजपा से गठजोड़ कर सपा को तगड़ा झटका दिया। बदली हुई परिस्थिति में सपा ने पलटवार किया और आनन फानन में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 64 लोकसभा सीट से रामबुहाल निषाद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। टिकट मिलने पर शनिवार को बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंचे रामबुहाल निषाद का समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माल्या अर्पण कर स्वागत किया। सपा से टिकट मिलने पर रामबुहाल निषाद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीतेंगे। हमारे नेताजी जो विकास कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं सबको पता है। प्रवीण निषाद और निषाद पार्टी के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के एहसान को भूल गए हैं। स्वार्थ में आकर उन्होंने पार्टी बदल दिया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा से लोकसभा प्रत्याशी रामबुहाल निषाद और सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, जी जी। ये पहला चुनाव था ना, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीतेंगे और हमारे नेता ने जो विकास के काम किए हैं सबको उस क्षेत्र में लोहा मनवाए हैं, उस आधार पर पब्लिक उनको वोट देने जा रही है, समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है। प्रवीण निषाद और निषाद पार्टी के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आसान को भूल गए, स्वार्थ में आकर उन्होंने लालचवश 500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी से लेकर वो सौदा कर रहा था और सौदा उसका हो गया तो उधर चला गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई एहसान नहीं है, नहीं तो प्रवीण इंजीनियर प्रवीण निषाद ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं इंजीनियर जो सपना में भी संसद में नहीं पहुंच सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है, उनका एहसान है, वो मानने वाले निषाद पार्टी के लोग मानने वाले नहीं हैं, पैसा के लालची हैं, लोभी हैं, समाज के सम्मान का मान का कोई ख्याल नहीं है। पार्टी ने बहुत बढ़िया फैसला लिया है, गोरखपुर में फिर समाजवादी झंडा बहुत ऊंचाई तक फहरेगा, फिर हम लोग लाखों के लीड से जीतेंगे। पार्टी ने जिस प्रत्याशी को भेजा है, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और लगभग हर जाति धर्म के लोग अब की बार मिल करके लाखों वोट से भाजपा को हराने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष जी के पास उनके पार्टी का केवल वो कागजात ही है, बाकी निषाद रामभुवाल निषाद के साथ आ गए हैं और रामभुवाल निषाद पूरी मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे। रामभुवाल निषाद निषादों के चहेते नेता हैं और पहले भी हमारे विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में रामभुवाल निषाद पर भरोसा जता करके पार्टी ने बड़ा काम किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई देता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिना किसी देरी के गोरखपुर का टिकट घोषित किया। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि एक साथी को फिर हम लोग आगामी मई महीने में जब 23 को गणना होगी तो 23 तारीख को फिर लाखों वोट से समाजवादी पार्टी जीत करके दिल्ली भेजने का काम करेगी रामभुवाल निषाद को।